365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। क्या है जैविक खेती, कैसे की जाती है जैविक खेती, क्यों किसानों को कर रहा है यह जैविक खेती आकर्षित, आजकल किसानों का रुझान क्यों है जैविक खेती पर। आपको मैं बता दूं कि एक ऐसे किसान जो एक संस्था के माध्यम से जुड़कर प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो चलिए हम जानेंगे जैविक खेती को लेकर इनका क्या विचार है, क्या कहना है, किस प्रकार जैविक खेती को ये सफल बना रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षण देके जागरूक कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में जैविक खेती कर किसानों के लिए प्रेरणा साबित हो रहे हैं किसान दयाल प्रसाद। जहां एक ओर किसानों का रुझान रासायनिक कृषि की ओर है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग जिला से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर टाटीझरिया प्रखंड अंतर्गत खैरा गांव के किसान दयाल प्रसाद ने गांव के ही 5 एकड़ बंजर भूमि पर 6 वर्षों से ऑर्गेनिक यानी जैविक कृषि कर एक मिसाल पेश किया है। आपको बता दें कि रासायनिक कृषि के अपेक्षाकृत जैविक कृषि में उपज कम होती है, लेकिन वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। अगर बात करें रासायनिक कृषि की, तो इस पद्धति से खेती योग्य भूमि जलवायु के साथ साथ मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। किसान दयाल प्रसाद बताते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में सृजन फाउंडेशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने गांव में ही जैविक खेती की शुरुआत 6 वर्ष पहले की और आज हमारे इस संस्था के माध्यम से लगभग 5000 महिलाओं को हमारे यहां से प्रशिक्षण देकर सशक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ JSLPS महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तमाम ग्रामीणों को जैविक कृषि की ओर प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान में उन्होंने इस 5 एकड़ बंजर भूमि पर कई तरह के फल एवं सब्जी भी उगा रहे हैं, जैसे आलू, पपीता, अरहर, आम के साथ साथ दलहन और तिलहन जैसे फसल जैविक कृषि के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। अब इतने लंबे चौड़े क्षेत्रफल में कृषि होने से क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण प्रशिक्षण के लिए आते हैं, जिनको बेहतर तरीके से जैविक कृषि की प्रशिक्षण दी जाती है। पीछे हम उद्देश्य जानकारी देना चाह रहे हैं कि सृजन फाउंडेशन से हम लोग यहाँ 5 एकड़ में अलग अलग मॉडल का खेती कर रहे हैं और प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक करने से ज़्यादा बेटर है और फल अच्छा रहता है और हेल्थ पे प्रभाव कम पड़ता है। इसकी प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रशिक्षण हमको सृजन फाउंडेशन JSLPS के मदद से मिला। कैसे लगा कि आपको ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए अन्य खेती की अपेक्षा? हम कहीं कहीं पहले तो हम बता दें कि हम अपने घर में एक किसान हूँ और अपने घर में खेती करना शुरू किया था, तो रासायनिक खेती शुरू किया था, तो कहीं कहीं सृजन फाउंडेशन के मदद से जब बाहर छत्तीसगढ़ और रांची हम लोग जब जाने गए तो वहाँ पे देखे कि ऑर्गेनिक खेती कहीं कहीं शुरू हो रहा है, तो हमको भी लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छा चीज़ है और ऑर्गेनिक खेती हम लोग शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक खेती अपने घर में ला करके शुरू किए और मॉडल में सारा चीज़ शुरू किए। लगातार कितने वर्षों की मेहनत है इस ऑर्गेनिक खेती? ये लगातार हम लोग को 6 साल का हमारा ये एक्सपीरियंस है कि 6 साल से लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। आज जब तक 6 साल के बाद आज हम लोग को लगा है कि ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छा है और हम इसका सक्सेसफुल कर पाए हैं। क्षेत्र में जैविक फसल की महत्व व जानकारी के अभाव में बाजार में अन्य फसल के उपेक्षा जैविक फसल की मूल्य कम मिलती है। अगर सरकार के माध्यम से जैविक फसल को बढ़ावा के लिए एक अलग रूपरेखा तैयार करते हैं तो किसानों को ही मुनाफा होगा, साथ ही साथ लोगों को रसायन रहित सब्जियां मिल पाएंगी। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत कैसे की, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे एक सफल किसान बने, आपने देखा, सुना और समझा। अन्य खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, नमस्कार। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।